हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2023 जो डिप्लोमा और डिग्री धारक है उनके लिए वैकेंसी आ चुकी है और उसके लिए जो फॉर्म अप्लाई है दोस्तों वो 19 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं इसमें सीटीआई आवश्यक है या नहीं है, बिहार के बाहर के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, एक्सपीरियंस कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए 15/9/2023 को जो है दोस्तों BTS यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है एक नोटिस जारी किया जिसके तहत जो है व्यवसायिक अनुदेशक यानी कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के डिग्री और डिप्लोमाधारी बच्चों के लिए दोस्तों जो है 29 विभिन्न टाइप के जो पद हैं उनके लिए जो है नोटिफिकेशन आया दोस्तों। इस विभिन्न टाइप के पद में जैसे कि मशीनिस्ट के 30 पद हैं, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग के 13, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के 5, फीटर के 159, टर्नर के 32, मशीनिस्ट ग्राइंडर के 1, मैकेनिक ट्रैक्टर का दोस्तों 7, मोटर मैकेनिक व्हीकल का 10 है, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग का दोस्तों 5 है, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर का 2 है, मैकेनिक डीजल का दोस्तों 88 सीट है, वेल्डर का पूरी 100 सीट है दोस्तों, प्लम्बर के 38 सीट हैं, उसके बाद दोस्तों फाउंड्रीमैन के 13 सीट हैं, और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं फाउंड्रीमैन के बाद तो दोस्तों टेक्नीशियन मोट्रॉनिक्स के 2 सीट हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग 3D के 4 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के 178 सीट है दोस्तों, 1000 सीट इलेक्ट्रीशियन के, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 133, वायरमैन के 20 और इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के 5 और सोलर टेक्नीशियन के 2 सीट हैं, और मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अलायंस के 23, इंटरनेट ऑफ थिंग यानी कि IoT का दोस्तों 5 है, इसके बाद दोस्तों डॉक्टरमैन सिविल के 13 सीट हैं, सर्वेयर के 4 सीट हैं, IT के दोस्तों 120 सीट हैं, इसके बाद दोस्तों जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के 166 सीट है और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 97 सीट, टोटल मिला के दोस्तों 29 सीट और विभिन्न 15 ग्रुप के लिए वैकेंसी आई है दोस्तों, जिसके लिए आप जो है आवेदन BTSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18/9/2023 से कर सकते हैं दोस्तों। ये तो रही दोस्तों आवेदन की बात और सीट की बात, दोस्तों इसके लिए बिहार के बाहर के भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं क्योंकि बिहार में जो है रेसिडेंशियल मान्य नहीं है, इसके लिए आप बिहार के अगर बाहर के हैं दोस्तों आप जनरल कैटेगरी की सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। जो आरक्षण वाली सीटें जैसे OBC SC ST ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार का स्थायी निवासी है दोस्तों। इसके लिए अगर योग्यता की बात करें तो इसके लिए जो योग्यता है दोस्तों एसेंशियल वो है BTEC या डिप्लोमा चाहिए दोस्तों आपको, डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक 3 साल का या फिर LE करके। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर आपने BTEC कर रखा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस और अगर आपने डिप्लोमा करके रखा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए संबंधित क्षेत्र में, चाहे आपने उस क्षेत्र में दोस्तों या तो आपने उसमें पढ़ाया हो या फिर आपके पास दोस्तों काम करने का किसी कंपनी में एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट यानी CITS दोस्तों अनिवार्य नहीं है, ये केवल जो एक डिजायरेबल है, अगर आपके पास CITS है तो आपको 30% का वेटेज मिलेगा, यानी कि अगर आपने CITS में मान लो 80% मार्क्स लाया तो आपको 24 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों, ये 30% का वेटेज की बात है। अगर आपके पास CITS नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है कि इसमें जो आपने BTEC या डिप्लोमा में मार्क्स लिया है, मान लो कि आपके 70% मार्क्स है तो उसके 20% वेटेज मिलेंगे, यानी कि 70 है तो आपको 14 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने 80 लाया 16 मार्क्स मिलेंगे, CITS के 30% वेटेज मिलेंगे। अगर आपने CITS में मान लो 80% मार्क्स लाया है तो आपको 24 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने 90% लाया है तो आपको 27 मार्क्स मिलेंगे, और इसका जो एक्सपीरियंस अगर आप पहले से गेस्ट फैकल्टी के तौर पे किसी बिहार सरकार के किसी ITI में जो है मतलब दोस्तों जो गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी आती है उसमें अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको 1 साल के जो है 5 मार्क्स मिलेंगे, और आपको अगर आपने 5 साल तक पढ़ाया तो मैक्सिमम आपको 25 मार्क्स मिल सकते हैं। इसके अलावा जो मार्क्स बचते हैं उसके दोस्तों रिटर्न एग्जाम होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, दोस्तों ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको BTSC की वेबसाइट पर मिल जाएगा जैसे कि आपको बनवाना है, इसमें आपको PF का कोई जरूरत नहीं दोस्तों। इसमें क्या जैसे देखो अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ाते हो उसका बनाना तो आपको ऊपर में सबसे पहले राजकीय जो आपका मतलब या राजकीय वो प्राइवेट हो या सरकारी उसका कॉलेज का नाम लिखना है, उसके नीचे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, इधर आपको जो ज्ञापन नंबर होना चाहिए यानी कि आपका जो नोटिफिकेशन नंबर है जो आपका मिलेगा वो डेट होना चाहिए, इसके बाद आपके डिटेल्स लिखे होने चाहिए कि आप जो है फलाना कुमार, पिता का नाम ये, एड्रेस फलाना फलाना फलाना, कि नियुक्ति जो है कार्यालय आदेश से जो है संविदा के आधार पर जो है या फिर जैसे भी हो किया जा रहा है, इसके लिए आपको जो है दोस्तों इतना रुपया मिलता था, इसके लिए मतलब PF का कोई ये है ही नहीं। तो अगर मान लो अगर आप मतलब फेक भी बनाना चाहते हो, अगर आपकी पहचान है जान पहचान है किसी कॉलेज के प्राचार्य से तो आप उससे इस फॉर्म पर ले जाके साइन मोहर करवा के आप मतलब लगवा सकते हो। बस ये एक काम करना है कि आप जो है मतलब जो कॉलेज की रजिस्टर होती है जिसमें कि वहाँ के इंस्ट्रक्टर की मतलब अटेंडेंस लगती है उस पर मतलब आप अपना मेंटेन करवा लें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जो ITI इंस्ट्रक्टर की डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है उसके संबंधित सारी जानकारी आपको मिल गई। अगर कोई कन्फ्यूजन हो दोस्तों आप कमेंट करें, मैं जवाब देने का दोस्तों कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।